हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी 3.0। तो जैसा भी मैं आप लोगों को प्रॉमिस किया था उसमें से प्रॉमिसेस वन बाय वन निभाते जा रहा हूँ। पहला मैं प्रॉमिस किया था कि टेस्ट सीरीज जिन लोगों को भी प्रॉब्लम्स है वो लोग टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, स्पेशली सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वाले अपना देख सकते हैं कि उनकी प्रिपरेशन कैसी है, और जो लास्ट ईयर में अभी तक जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए होंगे जिनको लगता होगा प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं है, तो मैं आप लोगों के लिए फ्री कर दिया हूँ 5 मॉक टेस्ट पेपर फ्री कर दिया हूँ, मोर देन सफिशेंट। क्योंकि जो लोग की प्रिपरेशन हो गई होगी वो ऑलरेडी मॉक टेस्ट पेपर ले चुके होंगे, मतलब टेस्ट पेपर ले चुके होंगे, एक या दो टेस्ट सीरीज लोग नॉर्मली ले लेते हैं। मैं सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट पेपर दे दिए, मतलब लगभग मिनिमम 10 टेस्ट पेपर तो आपको सब्जेक्ट वाइज मिलने ही वाले चाहे आपके कोई भी ब्रांच हो, और 5 ही है तो 15 पेपर तो मैं आपके लिए फ्री कर दिया हूँ, ठीक है। इससे होगा ये आपके पास कि आप अपने इन पेपर्स को बहुत अच्छे से प्लान करके एग्जीक्यूट करना, बहुत ही अच्छे तरीके से, इसको ऐसे नॉर्मली मत देना। तो मैं वन बाय वन ट्राई करते जा रहा हूँ, क्योंकि नवंबर का एंड चल रहा है तो मैं ट्राई करते जा रहा हूँ कि जो आपके लास्ट मोमेंट की प्रिपरेशन में जो जो चीज़ें आपके पास एडअप हो सकती है वो मैं कर रहा हूँ। सेकेंड चीज़ है कि मैं रिकॉर्डेड कोर्स के लिए आप लोग के लिए अफोर्डेबिलिटी वाला और भी चीज़ें कर दिया, मतलब बेसिक कोर्स आप लोगों का जो है जी ड्राइव का कोर्स उसको 2999 कर दिया, मतलब ये सब्जेक्ट वाइज एक एक सब्जेक्ट में 4-4 हज़ार रुपये में बेचा हूँ मेरे ही खुद के सब्जेक्ट। तो मेरे को लगता है कि जहाँ पे भी जिन लोगों को दिक्कतें हैं वो लोग अपने स्टडी को ब्रेक ना करें, वो लोग स्टडी कर लें। मेरे को पता है मोटिवेशन की कमी है स्टडी को लेके, फ्यूचर को लेके, पॉसिबिलिटीज़ को लेके, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो टाइम है अभी लगभग 14 मंथ का, अगले 14 मंथ का, उस टाइम में पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी रहने वाली है, और आने वाला जो हमारा टाइम है उसमें भी सिविल का स्कोप और भी बढ़ने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक्स का स्कोप और भी बढ़ने वाला है, क्योंकि सेमीकंडक्टर फिजिक्स है, VLSI डिजाइनिंग है, इस सब में बहुत सारा काम होने वाला है। तो आप ये ना सोचें कि काम नहीं होगा, चाहे मैकेनिकल हो, हाँ थोड़ा सा कोर्सेज जो होगा वो थोड़ा अपडेट होगा कि ऑटोमेशन वाली चीज़ें और आ जाएगी, लेकिन कोर लोग तो चाहिए, मैकेनिकल के कोर लोग चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के चाहिए, इलेक्ट्रिकल के लिए चाहिए, सिविल के लिए चाहिए, केमिकल के लिए चाहिए। कंप्यूटर साइंस में सॉफ्टवेयर कंपनी का हमेशा से बूम रहा है, तो कंप्यूटर साइंस का अभी का जो टाइम है वो कंप्यूटर साइंस के लिए सबसे प्राइम टाइम चल रहा है, तो वो लोग एडवांटेज ले रहे हैं इस चीज़ का, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि चलो अभी उनका टाइम चल रहा है, सबका अपना अपना टाइम चलता है। एक ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक्स चलता था, एक ज़माने में सिर्फ सिविल चलता था, एक ज़माने में एवरग्रीन बोल किसी मैकेनिकल चलता था, तो टाइम टाइम की बात है बहुत सारी। तो मेरे को लगता है कि ये जो हमारा जो वीडियो था, लॉन्चिंग वीडियो, इसको प्रोपेगेट कीजिएगा टेलीग्राम में, मैं अपनी टीम को बोला हूँ कि शेयर करें वीडियो को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके, जो लोग की भी प्रिपरेशन नहीं हुई है, जिनके भी टॉपिक लेफ्ट है, जिनको भी लगता है मेरा कुछ सब्जेक्ट वीक है, और आपके पास जब आप रिकॉर्डेड कोर्स में देखोगे ना तो आपको पूरा वीडियो लेक्चर इन्फॉर्मेशन मिलेगा, पूरा वीडियो लेक्चर इन्फॉर्मेशन, आपको ये पता रहेगा कि कौन सा लेक्चर कितने देर का है, और आपको ये भी पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक पढ़े जाते हैं। तो सपोज़ करो आप अगर कोर्स ले लिए और वीडियो लेक्चर इन्फॉर्मेशन जब आप देखें तो आप ये देख सकते हो कि आपके कौन कौन से रेडी है, जो रेडी नहीं है उसको मार्क कर लो, और उसको मार्क करके सीधे वीडियो में जाओ और उन टॉपिक को रेडी कर लो। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कोई चीज़ अगर आपकी लेफ्ट है, कोई चीज़ को आप अच्छे से रेडी नहीं किए हो, उस चीज़ को रेडी कर सकते हो। कोई आपको लगता है कि कोई सर मेरा एक टॉपिक जो है उतना बेहतरीन नहीं है, उस बेहतरीन टॉपिक को आपको बेहतरीन करना है तो आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आपको लगता है कि सर मेरे को ना करेंट मिरर सर्किट बहुत अच्छा नहीं आता है, तो ठीक है आप एनालॉग सर्किट में ओपन करो, करेंट मिरर सर्किट में मैं कितनी बातें किया उसको रख लो। आपको लगता है कि सर पावर टाइम से मेरा इन्वर्टर अच्छा नहीं है, बिल्कुल इन्वर्टर वाला मेरा टॉपिक एक बार पढ़ लो फटाफट, स्पीड अप स्पीड करके पढ़ लो, डबल एक्स 2x की स्पीड से पढ़ लो। तो मेरे को लगता है कि बस ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि एफर्ट तो आपको करना पड़ेगा, जितनी सहूलियत, जितनी पॉसिबिलिटी, जितनी अफोर्डेबिलिटी वाला जो चीज़ है वो सब आपको प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। अब जो जो मैं प्रोमिसेस करते जा रहा हूँ उससे ज़्यादा ही प्रोमिसेस निभाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मैं पहले भी बोला था कि आने वाले समय में आप सबको इसका एडवांटेज देखने को मिलेगा, जो भी मैं डिसीजन लेता हूँ मैं लॉन्ग टर्म डिसीजन लेता हूँ, आज तक ही 18 साल की स्टोरी में मैं लॉन्ग टर्म डिसीजन लेता हूँ। तो इसलिए प्रेजेंट टाइम पे मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ कि लोग क्या सोचते हैं, लोग बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लोग कुछ खराब बोल रहे हैं, ये सब मैटर नहीं करता, ना किसी का बहुत अच्छा बोलना ना किसी का बहुत खराब बोलना मैटर नहीं करता है। मेरे को पता है कि लॉन्ग टर्म में रिजल्ट बहुत मैटर करता है, जैसे अभी आप देखेंगे IUCL का रिजल्ट आया, इतने सारे लोग कन्वर्ट हुए, तो रिजल्ट मैटर करता है, एट द एंड रिजल्ट मैटर करता है इस दुनिया के लिए। आप अपनी कितनी भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अगर आपका रिजल्ट नहीं आएगा तो लोग डाउट करेंगे आप पे, क्या डाउट करेंगे कि आप प्रिपरेशन नहीं किए होंगे, भले चाहे आप किए होंगे लेकिन लोग डाउट करेंगे, तो ज़िंदगी में रिजल्ट मैटर कर जाता है, अब क्या कर सकते हैं, ऐसे ही दुनिया है। और मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि जो हमारा रिकॉर्डेड कोर्स है, पिछले 4-5 साल से अप्रूव्ड कोर्स है, जो कि इतने सारे स्टूडेंट लोग रैंकर्स लेके आ रहे हैं, रैंक लेके आ रहे हैं, तो आप ये देखिए कि आपको कितने अच्छे तरीके से इसको यूटिलाइज करना और रैंक में कन्वर्ट करना। तो मेरे को लगता है कि अच्छा टाइम, इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए, अपना बेस्ट दीजिए, जितना एफर्ट हो सकता है जान लगा दीजिए। नवंबर बस ख़त्म होने वाला है, धीरे धीरे आप
देखो टाइम कैसे खत्म होते जा रहा है, पहले कुछ दिन पहले 4 महीना बचा था, फिर 3 महीना बचा, अब नवंबर भी खत्म हो रहा, दिसंबर जनवरी, बस गेट का एग्जाम बस जस्ट दरवाजे के सामने ही खड़ा है, है गेट के सामने गेट का एग्जाम खड़ा है, तो बस आप रेडी रहिए बस। और लास्ट का मोमेंटम जो होता है ना वो आपको कहीं के कहीं ले जा सकता है। कभी कभी लग सकता है कि सर 60-70 दिन में क्या होगा, मैं बोल रहा हूँ कि इंजीनियर को एक ही चीज़ तो सबसे अच्छे से आती है कि अगर वो मोमेंटम में आ गया, 70 दिन के मोमेंटम में आ गया, 80 दिन के मोमेंटम में आ गया, तो इधर से उधर चीज़ें चेंज हो जाती है, तो वो मोमेंटम बहुत मैटर करता है। बाकी तो स्टडी सभी लोग कर रहे हैं, अब इस मोमेंटम के साथ, इस फ्लो के साथ कौन जाएगा वो मैटर करता है कि क्या चीज़ आप सिलेक्ट कर रहे हो, किस चीज़ को लेफ्ट कर रहे हो, किन चीज़ को पढ़ रहे हो, आपका सिलेक्शन कैसा है पढ़ने का, आपका डेडिकेशन लेवल कितना है, कंसंट्रेशन 14-15 घंटे आप कैसे मैनेज कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए ये बड़ा मैटर करता होगा कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट कॉलेज के साथ साथ कैसे करते होंगे। लेकिन ये भी ध्यान देने वाला होगा कि जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट का जो कॉम्पिटिशन है वो कॉलेज गोइंग वाले लोगों के साथ में, तो आपको देखना होगा कि जब रिजल्ट आएगा तो बहुत सारे कॉलेज गोइंग वाले बोलेंगे कि यस मेरा इतना रैंक है, मेरा इतना रैंक है, तब आपको लगेगा भाई ये भी तो कॉलेज वाला है, ये भी तो कॉलेज वाला है। उस दिन आपका ना आपके कितने परसेंटेज आते हैं, कितना CPI आता है, मैटर नहीं करता है, मैटर बिल्कुल नहीं करता है। अगर आपका एक नॉर्मल फ्रेंड होगा जो कभी भी क्लास में टॉप 10 में नहीं आया होगा, अगर वो रैंक ला लिया ना तो पूरे 4 साल का ना सबसे बड़ा हीरो वो होगा, और आप यूनिवर्सिटी टॉपर होंगे, गोल्ड मेडलिस्ट होंगे, तो भी लोग आपको ऐसे धक्का देके उससे मिलने के लिए निकल जाएंगे, याद रखिएगा इस बात को। तो ठीक है, अब आपको अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, मैं आप लोगों को गाइड करते रहूँगा समय समय पर, ठीक है, ओके, थैंक यू।